दिल्ली के एम्स में मरीजों को अब इलाज के लिए एक से दूसरी इमारत तक जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर 10 बैटरी चालित गाड़ियों को शुरू किया। इसमें सवारी के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है। कुछ दिन पहले भी ट्रायल के लिए एम्स परिसर ने 3 बैटरी चालित गाड़ियों को शुरू किया था। इसके बाद अब एम्स ने करीब 1 दर्जन वाहनों को मरीजों की सेवा के लिए लगाया है। अभी तक मरीज और तीमानदारों को एम्स परिसर में इधर से उधर जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वही वाहन लेकर संस्थान आने वाले काफी पैदल चलकर अस्पताल आते थे, लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉनिक बसों के जरिए मरीज, तीमानदार और एम्स स्टाफ आसानी से आना जाना कर सकता है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ हिमानी उप्रेती, नवोदय टाइम्स।